हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। आज की मेरी रेसिपी है किड्स फेवरेट फ्रूटी। मार्केट की फ्रूटी बहुत ही टेस्टी और यमी होती है, ऐसे ही फ्रूटी आज बनाएंगे हम बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, और इसे हम स्टोर करके रख सकते हैं 10 दिन तक। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। और फ्रेंड्स, हमेशा की तरह रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर दें, और अब जो बेल बटन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। फ्रूटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 पके हुए आम और 1 कच्चा आम लिया है। तो इसी रेशो में हमें आम को लेना है। आम आप कोई भी ले सकते हैं, हाफूस हो, सिंदूरी हो या सफ़ेदा हो, किसी भी आम को ले सकते हैं। तो इन आम को हम कट करके इन्हें रफली चॉप कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए, हम आम को चॉप कर लेंगे और ये जो कच्चा आम है इसे भी हम चॉप करके इस मैंगो में मिक्स कर लेंगे। आम को कट करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो 1 कप पानी मैंने इसमें मिलाया है और अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो मैं इस पतीले को गैस पर चढ़ा दे रही हूँ और इसे हम 7 से 8 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बॉईल करेंगे। तो इस पर मैंने कवर लगा दिया है और इसे हम 7 से 8 मिनट तक पकाएं। और ये देखिए 8 मिनट हो चुके हैं और आम एकदम अच्छे से पक चुके हैं। ये जो कच्चा आम था ये भी अच्छे से पक चुका है। तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इस मैंगो पल्प को हम एक बार मैश कर लेंगे। तो मैंने एक हैंड ब्लेंडर लिया है और इस हैंड ब्लेंडर से हम 2 मिनट तक इस मैंगो पल्प को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर जूस ज़्यादा थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे मैश कर रही हूँ। तो अब पल्प को मैश करने के बाद अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जब हम फ्रूटी पिएं तो उसमें कोई भी रेशा ना आए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखिए कितना पल्प इसके अंदर है, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। अब हम लेंगे कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 1 कप चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप आम के टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। अगर आम ज़्यादा खट्टे हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। और अब डालेंगे हम इसमें 500 ml पानी। तो पानी डालने के बाद अब हम इसको चढ़ाएंगे गैस के ऊपर। तो मैंने इस कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है। अब हम चीनी को 3 से 4 मिनट तक एकदम अच्छे से डिज़ोल्व होने तक पकाएंगे और फ्लेम को मैंने हाई रखा है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट में चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और अब डालेंगे हम इसमें ये मैंगो पल्प जो हमने तैयार किया था। तो ये मैंगो पल्प भी मैंने इसमें डाल दिया है। फ्रूटी की ये प्रोसेस बहुत ही इजी है। अगर आप इसे तुरंत ही सर्व करना चाहते हैं तो चीनी के डिजोल्व होते ही आप इसमें मैंगो पल्प मिला दें और इसे ठंडा होने पर सर्व करें। लेकिन आज जिस प्रोसेस से हम फ्रूटी बना रहे हैं, इस प्रोसेस में हम फ्रूटी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए हम डालेंगे इसमें 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड। तो ये साइट्रिक एसिड भी मैं इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लीटर फ्रूटी के लिए 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड लिया है। आप जो भी क्वांटिटी लें आप उसी अनुसार से ही साइट्रिक एसिड डालें। और अगर आप तुरंत सर्व करना चाहते हैं तो आप साइट्रिक एसिड ना भी डालें। तो साइट्रिक एसिड डालने के बाद हम इसे 1 मिनट तक और पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अब हम इसे ठंडा होने को रखेंगे। तो मैं फ्रूटी को एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए कितनी गर्म है ये। अब हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने को रखेंगे। फ्रूटी को रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसे ग्लास के कंटेनर में डालकर फ्रिज में रख सकते हैं। और जब आपको यूज़ करना हो आप इसे डायरेक्ट ग्लास में सर्व कीजिए। तो ये थी मेरी आज की प्रोसेस फ्रूटी बनाने की। आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।